गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आ गई हूँ रोडवेज में नानी को लेने के लिए, और फर्स्ट टाइम उसको लेकर आई हूँ हल्द्वानी। तो बड़ी डरते मरते पहुँच तो गई हूँ मैं यहाँ तक, हल्द्वानी की बारी है। देखते हैं नानी के साइड साइड पर बैठती है, तो रोड वॉज का कुछ ऐसे हाल है, इतनी भीड़ है ना अभी बस में, बाइक और देख सकते हैं आप लोग। सुबह सारे टिड्डे निकल के आ गए रोडवेजों में। नानी पहुंच चुकी है अभी यहाँ पर, अब नानी पहन लिए हेलमेट और चलते हैं सीधे घर को। तो अभी मैं मौसी को लेके आई हूँ दादा की दुकान में शॉपिंग करने के लिए, और मौसी कर रही है शॉपिंग। और मौसी ने मेरे लिए कोट सेट ले लिया है, उनके हाथ में है जो, और यहाँ दादा दिखा रहे हैं मौसा जी का करतूत दिखाना जा रहा है। मौसा जी दादा मौसी को भैंस कह रहे हैं, क्या क्या नाम रखे हैं मौसी बेचारी के। सो गाइस, कप्पू की बनाते हैं आईब्रो, देख सकते हैं कितनी झाड़ी सी पाल रखी है इसने। सो गाइस, इसकी एक साइड की बन चुकी है और दूसरी साइड की बननी है। अभी हम लोग जाने लग गए हैं मौसी को छोड़ने के लिए, मौसी जा रही है देहरादून। कितने सारे बकरे लेके आए हैं, बकरा ये दिखाया थे। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। तो अभी आने वाले फर्स्ट गेट नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर ट्रेन आएगी, मौसी को बैठा के मैं जाऊँगी यहाँ से घर। सो गाइस, मौसी को करते हैं सी ऑफ, और ट्रेन आ चुकी है। कहीं से आवाज़ तो आ रही है, पता नहीं यहाँ कहाँ से ऐसा वो आई। मौसी को छोड़ के हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, और मौसा जी का हो गया है मूड खराब, मौसी चलेगी, मतलब खाना कौन खिलाता है। मतलब गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं घर और चल रही है आइसक्रीम। तो